हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। अगर मान लो आप किसी लड़की से बात करने चाहते हो या किसी और से बात करने जाते हो, अपनी फ्रेंड या कोई भी किसी से भी बात करने जाते हो और आपके लिए वो अनजान है, तो भाई आप करते क्या हो ना यार, दो चार बातें आप उससे पूछ लेते हो, जैसे कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, क्या करना चाहती हो। तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन है और भाई उनका वो जवाब देने के बाद बात सोचने में आप भी पड़ जाते हो और वो भी कि अब हम क्या बात करें। तो भाई इसके लिए आपको ना तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और भाई यही तीन स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई इसमें जो मैं जरूरी पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आपने वो पॉइंट अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर दिया ना, तो कोई भी लड़की आपकी दीवानी हो जाएगी यार, आपको बात करने की कमी नहीं पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केपी और आप देख रहे हैं लव इन लाइफ। भाई फर्स्ट पॉइंट में आपको बात में क्वालिटी लाना है। भाई अगर आप बातों में क्वालिटी ले आए ना, तो भाई आपकी बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग बातों में या यू नो वगैरह ये सब यूज़ करते हैं अदर वर्ड्स, भाई इनका उपयोग नहीं करना है। मान लो कोई मतलब बात है, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आप सुबह उठ के क्या करते हो, तो भाई आप कहोगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाता हूँ और मैं वापस बहुत ही लेट आता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रास्ते में रुक भी जाता हूँ, वहाँ मुझे ये सब करना पड़ता है, स्टडी के लिए भी पूछना पड़ता है, दोस्त भी मिलते हैं और मैं उसके बाद घर आते आते मुझे लेट हो जाता है। तो भाई अगर इस टाइप से आप बात कर रहे हो ना, तो भाई लड़की या कोई भी बंदा आपके बात सुनने के बाद बहुत बोरिंग सा फील करेगा। और भाई अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है उस बात को ना बहुत ज़्यादा, तो आप उसे बोलो यार मैं सुबह बहुत जल्दी जाता हूँ और रनिंग करता हूँ यार, और उसके बाद मैं सीधा घर आ जाता हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है यार रनिंग करने के बाद। तो भाई अगर आपकी बात दो लाइन में पूरी हो रही है, तो भाई आपका वगैरह ये सब लगा के उसे लंबा क्यों करना है यार, छोटी बात हो जाएगी। और आप मैं मतलब इस बात में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कोई भी बात आपके मुंह से मतलब रॉन्ग वर्ड ना निकल जाए, इसके लिए आपको थोड़ा रुक के बोलना है। और भाई जितना आप रुक के और सोच के बोलोगे ना, उतना ही बहुत अच्छा है। आपका गैप 5 से 4-3 सेकंड के बीच का होना चाहिए, ये नहीं आप सोच में पड़ जाओ तो कम से कम 2-3 घंटे सोच में ही निकाल दो। आपका जो गैप होता है 3 से 5 सेकंड का जरूर होना चाहिए, जिसमें आप सोच के लड़की से या किसी और से बात करोगे तो भाई आपकी बात में बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट टेक्निक। भाई इस टेक्निक में होता क्या है, मान लो किसी से आप पूछ रहे हो कि यार आपकी हॉबी क्या है, तो भाई वो नॉर्मली आपको हॉबी बताएगा और बात खत्म। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से अगर पूछोगे, जैसे कि आप उससे बोलो यार मुझे आप बहुत फनी लग रहे हो, आपकी लाइफ बहुत इंजॉयमेंट वाली रही होगी, तो भाई इससे आपको वो बताने लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ये हुआ था और मैं बहुत इंजॉयमेंट फील करता हूँ। अगर वो नहीं भी इंजॉयमेंट वाला होगा ना, तो ये बताएगा यार नहीं यार मैं बहुत बोरिंग हूँ यार, आपको कैसे इंजॉयमेंट वाला लगा। इससे आपकी बात 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी और उसमें आप पॉइंट निकाल के उससे और भी अच्छी बातें कर सकते हो। तो भाई इस टेक्निक का यूज़ बाबा और जो ऋषि मुनि सभी करते हैं यार। बाबा लोग आते हैं, हाँ तुम बेटा तुम ऐसा करते हो, पढ़ाई में थोड़ा वीक हो और तुम अपने मन की सुनते हो, ये सब सिर्फ स्टेटमेंट टेक्निक द्वारा होता है यार, इनमें होता कुछ नहीं है यार, वो तो आपका चूतिया बना रहे होते हैं। लेकिन यही यूज अगर आप अपनी लाइफ में करोगे ना, तो कोई भी आपका दीवाना हो जाएगा और भाई आपसे बात बहुत इंटरेस्टिंग करने लगेगा। भाई स्टेटमेंट टेक्निक में दूसरा आता है कि स्टोरी स्टेटमेंट टेक्निक। भाई इसमें क्या होता है, बंदे को अपनी स्टोरी सुनानी होती है। जैसे कि मान लो किसी से आपको पूछना है कि यार आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो भाई आप पहले से अपनी स्टोरी बताओ ना उसे कि यार मुझे अंदर से बहुत डर लगता है, पहले मैं बचपन में बेड के नीचे छुप जाता था, तो पता है बहुत अंधेरा होता था घर में, जब लाइट चली जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था और मुझे भूत से आज भी डर लगता है। अगर आप ये स्टोरी अगर उसे सुनाओगे, तो वो अपनी डर की स्टोरी अपने आप ही आपको बताने लगेगा। तो भाई यही होता है बात करने का सही तरीका। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कन्वर्सेशनल थ्रीडिंग। भाई इसमें क्या होता है, अगर भाई किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो भाई अगर आपने नॉर्मली जवाब दिया कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो भाई ये नॉर्मल हो गया, बात हो गई खत्म। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली जवाब दोगे कि यार मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ की भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो छोटे शहर ही पसंद है, तो भाई कितना अच्छा होगा। और वह छोटे आपको दो टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे क्या क्या वहाँ पे फेमस है और भीड़ भाड़ वाले इलाके आपको पसंद नहीं है, भाई इस पे आप 2-4 घंटे आराम से बात कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से बात करना जानते हो। तो भाई ये जो कन्वर्सेशनल स्किल होती है ना, तो भाई ये जो बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे बात कर सकते हो और भाई थोड़े
डीपली इस पर जा सकते हो, इससे आप लड़की हो या कोई और बंदा आप बहुत अच्छे से इसे मेंटेन कर सकते हो। तो भाई अगर ये तीनों पॉइंट आपने लाइफ में अच्छे से समझ लिए ना, तो भाई किसी से आप अच्छे से बात कर सकोगे और किसी को भी अपना बना सकोगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, इसमें बहुत सोचा है भाई, इससे तो आपको सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।